पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 75वें जयंती उत्सव पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं कांग्रेस भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल के मरीजों को फल वितरित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बीएम संदीप, भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान, महापौर जावेद दलवी, गट नेता मोहम्मद हलीम अंसारी, पप्पू राका, कांग्रेस महिला अध्यक्षा रेहाना अंसारी सहित भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। आज हमारे स्वर्गीय जो भारत रत्न कहलाए जाते थे राजीव गांधी जी का 75वां जयंती है। आज इस अवसर पर आज हम कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो बेचारे पेशेंट एडमिट है उनको हम लोगों ने फ्रूट बांटा पार्टी की तरफ से। राजीव गांधी जी 20 अगस्त 1944 जो उनका जन्मदिन हुआ था और उसके बाद 1984 से लेकर 1979 तक वो 6 नंबर पर प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आज वोटिंग पावर 18 साल के बच्चों के है वो उन्हीं के पीरियड में हुआ था और साथ में भी आज कंप्यूटर जो देश में जो कंप्यूटर चल रहा है आज वो राजीव जी की ही देन है। नए नए टेक्नोलॉजी जो आज देश के अंदर आए उनके पीरियड के अंदर आए और युवाओं को महिलाओं को दलित समाज हो चाहे मारवाड़ी समाज हो मेजोरिटी के लोग सबको उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। आज उनकी यादें इस देश के अंदर मैं समझता हूँ सभी जनता याद करती है क्योंकि उनके 21 मई 1991 में उनकी मृत्यु हुई और इस देश के लिए वो शहीद हुए और गांधी परिवार हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दिया है और उसी लिए उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस के जो भी हमारे सीनियर लीडर लोग थे और आज़ादी के वक्त जिन्होंने कुर्बानी दी आज हम लोग उनको हर जयंती पे हर पुण्यतिथि को याद करके तो युवा पीढ़ी लोगों को बताते हैं कि देश के लिए कुर्बानी जिन्होंने दी है उनकी मालूमात देने का काम आज हम पार्टी की तरफ से दे रहे हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जोड़ने का काम किया है और सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने का काम किया। आज राजीव जी की याद में आज हमारे AICC सेक्रेटरी बीएम संदीप साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। हमारे मास्टर प्रदेश के सत्यजीत तांबे जी और प्रतिभा रघुवंशी जी आज इस प्रोग्राम में सब शामिल हुए और मैं इसी के साथ यही आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ भिवंडी शहर के अंदर अमन शांति बनाए के रखिए हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए के रखिए ये हमारे शहर के विकास के लिए सब लोग मिलजुल के काम करें। आ जाए तो यहाँ पर एक एक बेड पर भी दो लोग तो मतलब दो पेशेंट सुलाया गया था इसको लेकर आपने अभी यहाँ पर फ्रूट बांटा आपने खुद देखा तो क्या इसके ऊपर ठोस कदम उठाएंगे? देखिए भिवंडी शहर में सत्ता हमारी है बिल्कुल सही है लेकिन IGM हॉस्पिटल जो है इसको उप जिला का दर्जा दिया गया है और ये आज शासन के सरकार के हाथ में महानगर पालिका के तालुक से आज IGM हॉस्पिटल का लेना देना नहीं है। लेकिन अफसोस होता है कि भिवंडी शहर सलम एरिया है मजदूर तबके के लोग रहते हैं आज उनके लिए कोई सहूलियत IGM हॉस्पिटल नहीं है। आज दवाइयों की कमी है
डॉक्टर पूरे नहीं है, जब आप आएंगे डॉक्टर की शॉर्टेज है। आज कोई भी मशीनें चालू नहीं है, जो कांग्रेस के टाइम में काफ़ी मशीनें सबको पास हुई थी और काफ़ी मशीनें चालू थी, ऑपरेशन भी होते थे, लेकिन ऑपरेशन यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और आप मुर्दा खाना जाएंगे वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा आज शहर के लोग आई हॉस्पिटल को लेकर परेशान है। और सरकार जो है वो एकदम निकम्मापन कर रही है, सौतेला सलूक कर रही है आके जनता के साथ। और हमने इससे पहले लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री को, और काफ़ी मतलब हमने डेलीगेशन लेके आई हॉस्पिटल के जो CMO थे उनसे भी मुलाकात की। और इंशाल्लाह अगर आगे बस 2 महीने में इलेक्शन है, अगर अल्लाह ने चाहे कांग्रेस के आमदार और कांग्रेस सरकार आएगी, इसको हम लोग IGM हॉस्पिटल को सर मांग तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, मांग तो कर सकते हैं कि अगर आपकी पार्टी देखा जाए भारी सीटों से आप लोग यहाँ पर चुन के आए हैं, सरकार से मांग तो कर सकते हैं कि मूलभूत सुविधा जो है नागरिकों को मिलनी चाहिए। यहाँ पर महापौर साहब ने भी मांग की है, हमने भी मांग की है, लेकिन हमने एकदम सरकार एकदम निकम्मी है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, वो कुछ सुनवाई कर नहीं रही है और ना ध्यान दे रही है।